हेलो उथिरियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो काफ़ी सारे कमेंट थे कि दो वीडियोस के बीच में काफ़ी गैप होता है, तो एक वीडियो को डाल दिया करो। गैप भाई तेरे लिए है, मेरे लिए गैप ना है। समझ में आ रही थी बात? नहीं आ रही। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ऐसे, जब 10 बजे वीडियो बनाने बैठो तब 12 बजे वीडियो बनता है और 1 बजे अपलोड होता है। फिर नहाना, खाना, पबजी खेलना और सो जाना। 5 बज गए भाई, बज गए 5, पता भी नहीं चला। फिर मार्केट जाना, थोड़ा सा फ्रेंड से दोस्तों के साथ जाना, थोड़ा सा स्टडी, बज गए भाई 7, पता नहीं चला। 7 बजे आकर फिर से वीडियो बनाने के लिए बैठना, 9 साढ़े 9 तक वीडियो का कंप्लीट होना और 10:30 तक आप लोग को वीडियो मिलना। अब मुझे बताओ ना कि इस बीच में मैं क्या छोड़ दूँ? सोना छोड़ दूँ, खाना छोड़ दूँ, पीना छोड़ दूँ, खेलना छोड़ दूँ, दोस्तों से मिलना छोड़ दूँ, क्या करना छोड़ दूँ? तो वो गैप तो तुम लोग के लिए है, मेरे लिए घंटा गैप है। समझा करो वे सामने वाली की फीलिंग। खैर, तुम लोगों ने अगर फीलिंग समझी होती तो तुम लोग के चक्कर में दो चार गर्लफ्रेंड होती रे बाबा। ऐसे नल्ले बेरोजगार बन के जो यान की स्टोरी थोड़ी सुन रहे होते हैं। चलो एपिसोड पे आते हैं और पिछले एपिसोड में बता देता हूँ। ओए लेकिन मेरी बातों का बुरा उरा तो नहीं लग जाता तुम लोग को? जिसे भी बुरा लगा हो कमेंट सेक्शन में स्पेशली बता देना, मैं आपको स्पेशली गाली दूंगा। इन्हें बुरा भी लग रहा है अभी। हाँ चलो, पिछले एपिसोड में हमने कुल मिला के देखा होता है लव स्टोरी, ट्रेजिडी और ड्रामा, जहाँ पे जो यान की फाइट याओक्लेन के पेट्रियार्ट से हो रही थी। याओक्लेन का पेट्रियार्ट खूसट बुढ़ा, जो यान की जान लेने के लिए जो यान को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री मारती हमारी जैनी। और जैनी ने तो सीधे बोल दिया था, उसका बाल या खाल उस पे स्क्रैच भी आया तो याओक्लेन की लंका लगा दूंगी। जैनी को देखकर पेट्रियार्ट भी थोड़ा सा शक पका जाता है कि साला ये है कौन। बाद में पता चलता है कि यही जियो यान है। देन हमने देखा था कि जियो यान उन्हें फिर अपनी रिक्वेस्ट बताता है कि मुझे अपने एंसेस्टर को रिवाइव करना है, लेकिन उनके पास वो तरीका नहीं होता। जिस पे जियो यान वहां से उदास होते हुए कहता है ठीक है मैं फ्यूचर में कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जिसके बाद जियो यान को डिवाइन नॉलेज रियलम के अंदर इंटर हुआ वो लोग देखते हैं, जहाँ पे जियो यान को पता नहीं अभी क्या मिला है लेकिन आगे चल के इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन सभी लोग तारीफ बहुत करते हैं और इस टाइम पे याओक्लेन के पेट्रियार्ट जो यान को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने किसी डिवाइन होली बीस्ट को देखा हो। जिसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पेट्रियार्ट तुरंत ही कहते हैं कोई सरप्राइज की बात नहीं कि वास्तव में जो यान एक रैंक के डिफरेंस के बाद भी लोगों से इतनी आसानी से लड़ सकता है। हेवन वास्तव में काफी अरा काइंड है इस लड़के पर, छोटे साथी आपको पता भी नहीं। एंसेस्टर को रिवाइव ना कर पाने के इस आघात ने आपके फ्यूचर को काफी ब्राइट कर दिया है। इसे शायद आपकी काइंडनेस और आपके लव की तरह लव का हेवन की तरफ से मुआवजा माना जा सकता है। दूसरा याओक्लेन के पेट्रियार्ट की बात सुनने के बाद कि वास्तव में जो डिवाइन इन्फॉर्मेशन रियलम होता है उसमें पावर में तो कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और अगर अब जो यान 5 स्टार के पीक लेवल के डाउडी से भी मिलता है तो हो सकता है कि वो उसके साथ भी फाइट कर पाए। लेकिन जो यान के लिए तो एंसेस्टर जो जवान को रिवाइव करने के अलावा कोई भी दूसरा इंपोर्टेंट काम था ही नहीं। और एंसेस्टर को वापस से रिवाइव न कर पाने के थॉट के साथ जोन तुरंत ही उदास भी हो जाता है और अपनी बॉडी में काफी पावर लेस फील करता है। जिसके बाद वो अचानक से जोर से हंसते हुए कहता है क्या फायदा अगर मैं अपने एंसेस्टर को वापस से जिंदा नहीं कर सकता तो डिवाइन नॉलेज का भी क्या फायदा। इस टाइम पे उनके उसके एंसेस्टर के प्यार के सामने तो जोन को सब कुछ पानी कम चाय लग रही होती है। हालांकि तभी जो यान के ऐसे बिहेवियर को देखकर एंसेस्टर याओक्लेन के जो पेट्रियार्ट होते हैं वो काफी हैरान होते हैं कि वास्तव में ये अपने एंसेस्टर के प्यार के लिए डिवाइन नॉलेज रियलम को साइड में रखने के लिए तैयार है। जिस चीज का दुनिया सपना देखते उसे भी ये छोटी चीज मानता है। और जियान के ऐसे टैलेंट को देखकर वास्तव में उनका दिल कर रहा होता है कि वो जियान की मदद करे और वो अपने दिल में एक ट्राई करने के लिए सोच रहे होते हैं। जिसके बाद वो काफी देर बाद कुछ सोच विचार के बाद जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी जियान जो कि आगे जा रहा होता है तुरंत ही कहता है पेट्रियार्ट को कुछ कहना है तो वो बेझिझक कह सकते हैं। और इसके बाद वो पेट्रियार्ट की तरफ देखता है, साथ ही वो थोड़ा सा उदास भी दिखाई दे रहे होते हैं। तभी पेट्रियार्ट थोड़ा सा झिझकते हुए कहते हैं हालांकि इसका प्रेजेंट टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल रिफाइन करना आपने डाउडी कॉन्टिनेंट में किससे सीखा। ये सुनकर तो जियान की जो भुआएं होती है वो सिकुड़ जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि पेट्रियार्ट याओ वास्तव में ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैनी अचानक अपना सिर उठाकर पेट्रियार्ट याओ की तरफ देखते और उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल होती क्योंकि वो समझ गई थी कि पेट्रियार्ट याओ जो यान के टैलेंट से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं और उनके दिल में जियान का काफी अच्छा इफेक्ट है। और आखिरकार अपनी जैनी की तो भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं होती थी, आखिरकार इसीलिए तो जैनी पॉपुलर भी थी कि वो चीजों को पहले प्रेडिक्ट कर लेती थी। हालांकि याओक्लेन के पेट्रियार्ट जब जैनी को घूरता हुआ देखते हैं तो तुरंत थोड़ा सा एम्बेरस होकर खांसते हैं और जियान के आंसर का वेट करने लगते हैं। साथ ही याओक्लेन के जो पेट्रियार्ट थे उनकी जो एल्केमी स्किल थी वो काफी ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस थी।
साथ ही वो बहुत दूर दूर तक पॉपुलर थी। यहाँ तक कि जो भी लोग उनके इनहेरिटेंस को पाने के लिए यहाँ तक आए थे, उन्होंने चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। और इस टाइम पे वो जोयान को देख रही होती कि क्या वास्तव में जोयान ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ जोयान को पता था कि चाहे याओ क्लेन के पेट बैटल क्वी की पावर हो या कि फिर पेल रिफाइनमेंट की पावर, दोनों में ही काफी ज्यादा हाई लेवल पर थे। और एक पावरफुल पर्सन जो की मेनलैंड के अंदर सर्वाइव कर सकता है, वो वास्तव में जोयान को एज अ डिसाइबल एक्सेप्ट करना चाहता था, ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से हैरान करने वाली बात थी। और वो वास्तव में जोयान को डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहते थे, इस पे जेनी भी वास्तव में एग्री थी। हालांकि तभी जोयान कहता कि आप वास्तव में मुझे डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ जोयान काफी हैरान होते हुए जेनी की तरफ देखता है, क्योंकि वो भी इस बात का मतलब समझ गया होता है और उसके चेहरे पे काफी अजीब सी स्माइल होती है। जिसके बाद जोयान पूरी तरीके से शांत होते हुए कहता है, पेट्रियट मुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं, मैं जोयान पहले से ही निराश हूँ, क्योंकि एल्केमी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये मेरे एंसेस्टर को वापस से रिवाइव नहीं कर सकती, ये उनकी काइंडनेस और लव का बदला नहीं चुका सकती, तो फिर ये किस काम की। मैं जोयान पेट्रियट के ग्रेट गिफ्ट के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। तभी जेनी पूरी तरीके से हैरान होती है, नान एर्मिंग और जिंग उनके भी सेम इंप्रेशन होते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं, क्या इस बंदे ने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया इतना बड़ा ऑफर, जिसका बड़े बड़े लोग सपना देखते हैं। यहाँ तक कि याओ क्लेन के पैट्रियार्ड भी शॉक थे कि साला ये कौन है जो हमको रिजेक्ट मार गया। वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। हालांकि उन्होंने जोयान को गौर से देखा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जोयान वास्तव में उनके डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट किए जाने को एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की थी कि जोयान इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि जोयान इस ऑफर को रिजेक्ट करेगा। आखिरकार एल्केमी इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्किल है। हालांकि वो जोयान की इस बात से थोड़ा सा तो नाराज थे, लेकिन वो वास्तव में यहाँ पे जोयान को कुछ भी नहीं कहते। साथ ही उनके फेस इंप्रेशन काफी बदले हुए होते हैं और वो जोयान को देख रहे होते हैं, जो धीरे धीरे यहाँ से जा रहा होता है। तो जोयान को जाता हुआ देखकर वो वास्तव में कुछ भी बोलने से झिझक रहे होते हैं। दूसरी तरफ नान एर्मिंग और जिंग अपनी छाती पीटते हुए कहते हैं, वास्तव में हमारे मास्टर कैसे इंसान है, इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। हालांकि तभी याओ क्लेन के पेट्रियार्ड काफी ज्यादा उदास होते हुए कहते हैं, मैं अपना चेहरा नीचे नहीं कर सकता, किसी ऐसे टैलेंटेड पर्सन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, जोयान जैसे पर्सन की तो बात ही छोड़ दो, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता, इसे भूल जाओ। इस टाइम पे तो याओ क्लेन के पेट्रियार्ड के दिमाग में बार बार कई थॉट आ रहे होते हैं, वो तुरंत ही बिना किसी चीज और अपने चेहरे की परवाह किए बगैर चिल्लाते हुए कहते हैं, जोयान क्या तुम सच में इसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, इस बात में काफी सारी चीजें शामिल हैं, आपके एंसेस्टर को रिवाइव करने के एफर्ट्स भी। ये सुनकर तो तुरंत ही हवा में एक आवाज आती है, क्या। और जोयान जो भटकते हुए भूत की तरह आगे की तरफ जा रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो अचानक ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होते हुए याओ क्लेन के पेट्रियार्ड के सामने अपीयर हो जाता है। उसकी आंखें उन्हें काफी सरप्राइजिंगली देख रही होती हैं, जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, क्या आप एज अ मास्टर भरोसा करते हैं कि आप मेरे एंसेस्टर को बचा सकते हैं। जो सुनकर पेट्रियार्ड तुरंत ही कहते हैं, ठीक है लड़के, हालांकि तुम्हारे एंसेस्टर की बात काफी ज्यादा भारी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ओल्ड आदमी इतना ज्यादा बेकार है। और वो जोयान को गुस्से से घूरने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने गुस्से को दबाते हुए प्राउडफुल तरीके से कहते हैं, क्या आपने कभी भी रीयूनिंग सोल पिल के बारे में सुना है। जिस पे जोयान कहता है, नहीं सुना, ये क्या चीज होती है। जो सुनकर तो याओ क्लेन के पेट्रियार्ड का लगभग गला भर गया होता है, उनकी पूरी बॉडी कांपने लगी होती है और ये पता नहीं था कि साला गुस्सा है कि एक्साइटमेंट या अग्रेशन। वो जो यान की तब देते हुए कहते हैं, क्या तुमने हेवन को चैलेंज करने वाली रीयूनिंग सोल पिल के बारे में नहीं सुना, ये कैसे हो सकता है। जिस पे जोन कहते हैं, कैसे हो सकता है, क्या क्या मतलब नहीं सुना, सो नहीं सुना। और जोन का जो लहजा होता है वो काफी ऑनेस्ट होता है। ये सुनकर तो याओ क्लेन के पेट्रियार्ड इतने ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि वो तुरंत ही मुड़कर घूम जाते हैं और जोयान से कहते हैं, तुम किस लेवल पर हो, किस लेवल के एल्केमिस्ट हो तुम, तुम एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जोयान जो इतना ज्यादा पॉपुलर है, वो हेवन को चैलेंज करने वाली रीयूनिंग सोल पिल के बारे में नहीं जानता होगा, जिसे लगभग हर एल्केमिस्ट जानता था। तभी जोयान कहता है, मेरी एल्केमी रैंक अभी काफी कम है और मैं केवल एम्परर रैंक 6 का एल्केमिस्ट हूँ। जो सुनकर पेट्रियार्ड कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने, रैंक 6 का एल्केमिस्ट, बच्चे तुम इतनी छोटी सी उम्र के अंदर रैंक 6 के एल्केमिस्ट बन चुके हो। उन्हें वास्तव में जोयान की बात अपने दिल में बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि ये कल का आया हुआ बच्चा जो डाउडी कॉन्टिनेंट में 10-12 साल पहले आया है, रैंक 6 का एल्केमिस्ट बन चुका है। यहाँ तक कि जोयान का टैलेंट तो उन सभी लोगों के टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए काफी था, जो अपने आप को हमेशा ही टैलेंटेड पर्सन समझकर ईगो में टुन्ने रहते थे। जो देखकर तो पेट्रियार्ड बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही कहते हैं, मैं इस डिसाइबल को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो जोयान को ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन को देखा और उन्हें तो तिजोरी का खजाना मिल गया हो विथ चाबी। साथ ही वो अपने दिल ही दिल में काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे होते हैं और जितना जोयान को देख रहे होते हैं वो उतना खुश हो रहे होते हैं। हालांकि वो तुरंत ही कहते हैं, लेकिन ये पहले से ही एम्परर 6 का एल्केमिस्ट कैसे है और मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना, कितने अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि इसने अपना पूरा टाइम अपने कल्टीवेशन में ही लगा दिया है, लगता है फ्यूचर में इसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा।
अब जोयान के मास्टर बनने के बाद और जोयान का एज अ डिसाइबल एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें जोयान पर बहुत प्यार आ रहा होता है। साथ ही उन्होंने अपने टर्की से मिलने से पहले ही टर्की को अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लिया था जब उन्होंने उसकी र्यूमर्स को सुना था। दूसरा जोयान तो अभी भी पेट्रियट याओ को ही देख रहा होता है कि साला एक्साइटमेंट को साइड में रखो मास्टर, पहले रियूनिंग पिल के बारे में मुझे बताओ कि साले ये है क्या चीज और इससे मेरे एंसेस्टर जिंदा कैसे होंगे, यही उम्मीद करके जॉन उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ जेनी जो किनारे पर खड़ी हुई होती है रियूनिंग सोल पिल का नाम सुनते ही अचानक ही वो थोड़ा सा शॉक होती है क्योंकि ये नाम उसने पहले भी सुन रखा होता है। और अपने मन में थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे अचानक ही याद आता है और वो पेट्रियट याओ की तरफ देखते हुए कहती है, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं क्या वो एशियन डिजास्टर है। रियूनिंग सोल पिल जो हेवन को चैलेंज कर सकती थी उसे याओ क्लेन के एंसेस्टर द्वारा रिफाइन किया गया था। ये सुनकर तो पेट्रियट याओ तुरंत ही अपने डैडी को खिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, और उनके चेहरे पे प्राउडफुल इंप्रेशन होते हैं कि साला कोई तो जानता है हमको। ये सुनकर जेनी कहती है, अनप्रेडिक्टेबल, ये वास्तव में एक पिल है, मैंने सोचा था कि ये हमेशा ही मिथ्स के अंदर मौजूद थे और ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद वो तुरंत ही कहती है, मैं यंग मास्टर जो की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ पेट्रियट याओ। और इस टाइम पे तो जेनी भी जोयान के लिए काफी खुश होती है और जो यान की तरफ देखती है, दूसरा जोयान जेनी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें थोड़ा सा उदास होती हैं और जोयान काफी कंफ्यूज होता है कि मतलब चल क्या रहा है, मुझे भी समझा दो। तभी जेनी शॉक होते हुए कहती है, ठीक है, एशियन डिजास्टर से पहले याओ क्लेन ने एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन को प्रोड्यूस किया था जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल देने वाली पिल को रिफाइन किया था। और ये र्यूमर भी थी कि उनकी पिल रिफाइनमेंट डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सट्रीम लेवल यानी पीक लेवल पर थी। साथ ही उनके द्वारा रिफाइन की गई पिल मेनलैंड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होती थी और उनमें से एक रियूनिंग सोल पिल भी थी। और एक बार इस पिल को यूज कर लेने के बाद आपका मरना मुश्किल था, इसीलिए इस पिल को डिवाइन एंगर भी कहा जाता है। हालांकि एशियन डिजास्टर के बाद ये कहा जाता है कि इस पिल से या इस स्क्रोल से रिलेटेड सारे ही मेथड को मिटा दिया गया था, लेकिन वास्तव में क्या ये याओ क्लेन के अंदर एक बार फिर से अपीयर हो गई है, वास्तव में ये तो बधाई देने वाली बात है। और यहाँ पे तो जेनी काफी हैरान होती है। ये देखकर याओ क्लेन के पेट्रियट तारीफ करते हुए कहते हैं, मिस जेनी आप तो वास्तव में काफी ज्यादा होशियार हैं, वास्तव में आप इस पिल के बारे में अंदर बाहर हर एक चीज को काफी डिटेल में जानती हैं। साथ ही वो काफी तारीफ भरी नजरों से जेनी की तरफ देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उस पिल का स्क्रोल अभी भी हमारे पास नहीं है। हालांकि मेरे पास केवल 3 सोल रियूनिंग पिल हैं, जो हमारे याओ क्लेन के ट्रेजर्स में से एक है। साथ ही इस पिल को खुद के लिए यूज करने के लिए भी मुझे एक काफी हाई और वैल्यूएबल रीजन की जरूरत है, वरना याओ क्लेन के एल्डर्स को समझाना भी मुश्किल हो सकता है। और ऐसा कहते हुए याओ क्लेन के पेट्रियट थोड़ा सा उदास फील करते हैं, लेकिन उनकी आंखें जो यान के चारों तरफ घूम रही होती हैं, जिसका मतलब सीधा साफ था कि वास्तव में जो यान याओ क्लेन के पेट्रियट के लिए कितना मायने रखता है कि उन्होंने जो यान के लिए वास्तव में याओ क्लेन के जो ट्रेजर थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया था। तभी जेनी कहती है, कोई आश्चर्य नहीं, पेट्रियट याओ जो याओ जो यान को अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इसका बात का पता चला किसका ये रीजन है। पेट्रियट याओ के जो इरादे हैं वो वास्तव में नेक, मैं जेनी वास्तव में उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही जेनी का जो लहजा होता है वो काफी ज्यादा पोलाइट हो गया होता है। हालांकि याओ क्लेन के पेट्रियट जोयान को ये ट्रेजर देने के साथ ही साथ जोयान से जुड़े हुए हर एक पर्सन को अपने आप ही जीतने वाले थे, इसलिए याओ क्लेन के लिए इस चीज को प्रॉफिटेबल भी कहा जा सकता था। दूसरा जोयान तो पूरी तरीके से हैरान होता है और जोयान को पता चलता है कि कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि ओल्ड जान ने कहा था कि याओ क्लेन के अंदर एक हिडन टेक्निक है, लेकिन शायद ओल्ड जान को पता नहीं था कि जनरेशन बाय जनरेशन पिल्स को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन पिल फॉर्मूले को आगे नहीं बढ़ाया गया था। और ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि याओ क्लेन के पेट्रियट के पास केवल 3 ही हेवन को चैलेंज करने वाली पिल्स थी, और अगर उनमें से एक वो उसे देते हैं तो उसके एंसेस्टर की रिवाइविंग की होप को वापस से जिंदा किया जा सकता था। इसलिए जॉन जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट करता है और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, मैं आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उम्मीद है कि पेट्रियट याओ मुझे नापसंद नहीं करेंगे। ये देखकर याओ क्लेन के पेट्रियट तुरंत ही खुश होते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। जॉन को ऐसा डिसाइबल एक्सेप्ट करना उनके लिए भी आसान नहीं था, इसीलिए वो काफी देर तक हंसते हैं। तभी याओ तुरंत ही कहते हैं, वैसे जो यान आपने अब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आपका कोई और भी मास्टर है, क्योंकि मैं अपने इतने अच्छे डिसाइबल को किसी दूसरे मास्टर के साथ बांटना पसंद नहीं करूंगा। हालांकि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी कितने भी मास्टर बना सकता था और कोई भी कितने भी डिसाइबल रख सकता था, लेकिन याओ क्लेन के पेट्रियट की अपनी रेपुटेशन के कारण वो वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो जो यान से पूछना चाहते थे। तभी जोयान कहता है, पिल रिफाइनमेंट सिखाने के लिए मेरे 2 मास्टर थे, जो कि एक मेरे ड्यूकी कॉन्टिनेंट में है और दूसरा डाउडी कॉन्टिनेंट में। और जोयान ऐसा कहते हुए काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली पेट्रियट याओ को ग्रीट करता है, जिसके बाद जोयान कहता है, डाउडी कॉन्टिनेंट काफी मिस्टीरियस है, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो यान गारंटी दे सकता हूँ
कि मैं कभी भी पैट्टी आटियाओ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जो देखकर पैट्टी आटियाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए और नाराज होते हुए कहते, क्या आप अभी भी कोई मिस्टीरियस पर्सन है? हालांकि जॉन का आंसर को सुनकर पैट्टी आटियाओ थोड़ा सा उदास भी होते कि वास्तव में इस बंदे के पास मास्टर है, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं, मेनलैंड के अंदर तुम्हारे मास्टर कहाँ पर रहते हैं? तभी जॉन कहते थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मास्टर याओ लाओ को याद करता है तो उसकी आंखें थोड़ा सा उदास होती है और इसके बाद वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, यंग जनरेशन में जो यान मेरे मास्टर अभी भी मेनलैंड में ही है और वो बहुत जल्दी डाउडी को ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जो सुनकर याओ पैट्टियाट याओ तुरंत ही कहते हैं, तो वो अभी तक डाउडी को ब्रेक नहीं कर पाए? तो फिर इस तरीके से तो आपको अपने मास्टर की बहुत याद आती होगी। और जॉन की फीलिंग्स और इमोशंस को फील करते हुए पैट्टियाट याओ तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हैं, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है, मास्टर मेरे लिए फादर जैसे हैं, जिन्होंने वास्तव में मुझे यहाँ पे खड़ा होने लायक बनाया, तो मैं भला इस चीज को कैसे कह सकता हूँ कि मैं उन्हें याद नहीं कर रहा। साथ ही अपने दिल में जो यान थोड़ा सा गर्माहट भी फील कर सकता था, आखिरकार ये उसके मास्टर के लिए ही तो था कि वो आज इस लेवल पर खड़ा था। इसलिए पैट्टियाट याओ तुरंत ही कहते हैं, निश्चित तौर पर फिर तो वो एक काइंड पर्सन होंगे। साथ ही जो यान के ग्रेटफुल होते हुए बिहेवियर को देखकर वो और भी इम्प्रेस होते हैं कि वो अपने मास्टर के सामने ग्रेटफुल था। इसलिए वो कहते हैं, जो यान आपके मास्टर का नाम क्या है? आखिरकार मैं फ्यूचर में अपने डिसाइबल से प्यार करने वाले उस मास्टर से जरूर मिलना चाहूंगा, साथ ही मुझे उन्हें धन्यवाद भी कहना होगा इतने अच्छे डिसाइबल को ट्रेन करने के लिए और सिखाने के लिए। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, ये एक संयोग की बात है कि मेरे टीचर का नाम भी सरनेम भी याओ क्लेन के पैट्रियार्ट के समान ही है, साथ ही मास्टर मेन कॉन्टिनेंट के जिस ट्राइब से आते हैं वो भी याओ क्लेन ही है। जो यान की बात को सुनकर तो पैट्रियार्ट याओ हैरान होते हुए कहते हैं, उस कॉन्टिनेंट के अंदर याओ क्लेन का एक मेंबर, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उनके हाथ में एक बुक दिखाई देती है जिसमें याओ क्लेन की जो फैमिली ट्री थी वो बनी हुई होती है। जिसके बाद याओ क्लेन के पैट्रियार्ट इस बुक का सबसे लास्ट पेज ओपन करते हैं, साथ ही लाइन बाई लाइन नामों को पढ़ते हुए और इसे देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, कितना अनएक्सपेक्टेड है कि एक छोटा लड़का जो कुछ टाइम पहले ही डाउ सेंग लेवल पर पहुंचा है, एक 4-स्टार लेटेस्ट स्टेज के डाउडी रैंक 6 के अल्केमिस्ट और एम्परर टियर की पीक लेवल की स्पिरिचुअल पावर वाले बंदे को ट्रेन कर सकता है। ऐसा लगता है छोटे साथी आपके मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड और कैपेबल हैं, साथ ही उनकी नजर भी काफी अच्छी है। दोस्तों जो यान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और याओ क्लेन के फैमिली ट्री के अंदर जब वो अपने मास्टर याओ चैन का नाम देखता है जिसका रंग थोड़ा फीका था लेकिन वो अभी भी साइन कर रहा था, तो जो यान भी काफी खुश होता है। दोस्तों जैसे ये बात सामने आई थी, जेनी नान एर्बिंग और जिंग दोनों ही तीनों ही लोग चौंक गए होते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में जो यान की डेस्टिनी याओ क्लेन से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है। दोस्तों याओ क्लेन के पैट्रियार्ट हर एक चीज को इग्नोर करते हुए काफी देर तक जो यान को देखते रहते हैं जैसे वो थोड़ा हैरान और निराश हो। हालांकि कुछ देर वो अपनी दाढ़ी खींचते हैं और इसके बाद खुश होते हुए जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, और इसके बाद कहते हैं, जो यान आपने अभी कौन सा नाम लिया? तभी जॉन घबराते हुए उस ट्री के ऊपर याओ लाओ के नाम की तरफ इशारा करता है। साथ ही जॉन काफी कंफ्यूज भी होता है कि क्या जब वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आए तो जियो क्लेन के लोगों को भी इसी के कारण पता चला था। तभी पैट्रियार्ट याओ बताते हैं कि बिल्कुल, ये डाउडी कॉन्टिनेंट एक सुप्रीम प्लेस है और इसके नीचे काफी सारे हेडक्वार्टर्स को माना जा सकता है और हर एक क्लेन की जो ब्रांचेस है वो बिखरी हुई है। ड्यूकी कॉन्टिनेंट को तोड़कर या ब्रेक थ्रू करके लोग डाउडी कॉन्टिनेंट में आते हैं, इसे इनमें से एक कहा जा सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं, हर ट्राइब के पास अपने मेंबर्स को फील करने के लिए अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, जिसका यूज करके वो उन्हें फील करते हैं। जैसे मेरे याओ क्लेन के अंदर मेरे पास ये फैमिली ट्री है और एक स्पेशल मेथड, इसीलिए जब कोई डाउसेंग पर ब्रेक थ्रू करता है तो उसका नाम इस फैमिली ट्री के अंदर आ जाता है, और जब ये नाम पूरी तरीके से विजिबल और ग्लो करने लगता है उसका मतलब होता है कि उसने डाउडी को ब्रेक थ्रू कर लिया। उसके बाद हम अपने लोगों को उसे लेने के लिए भेजते हैं और ये ऐसा ही है, जिससे जो यान को भी अचानक एहसास होता है और वो अपने सिर को हिला देता है। तभी जेनी और जिंग भी इसमें सिर हिलाते तो जॉन कहता है कि आप सब भी ये जानते थे? वास्तव में जो यान इन चीजों के बारे में अभी अच्छे से नहीं जानता था क्योंकि जॉन को अपने कल्टीवेशन और पावर बढ़ाने के अलावा किसी दूसरी चीज से मतलब ही नहीं था। हालांकि जॉन यहाँ पे कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है लेकिन तभी पैट्रियार्ट याओ जो यान की घबराहट को इग्नोर करते हुए कहते हैं, मुझे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मेरे याओ क्लेन की ब्रांच के एक मेंबर द्वारा एक्सेप्ट किए गए डिसाइबल होगे। फिर इस तरीके से तो मेरे लिए आपको एक पर्सनल डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होगा। याओ क्लेन के पैट्रियार्ट की बात को सुनकर जो यान अचानक ही अपने दिल को कड़ा कर लेता है और जेनी और जिंग के भी फेस इंप्रेशन बदल गए होते हैं कि क्या जो यान याओ क्लेन के पैट्रियार्ट का डिसाइबल नहीं बन सकता, तो फिर उसे रीयूनिंग सोल पिल मिलेगी या नहीं। तभी पैट्रियार्ट कहते हैं, ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा पहले मेरे डिसाइबल के तौर पर, और जब आपके मास्टर यहाँ पे आएंगे तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करके उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें जरूर प्राइजेस दूंगा और उन्हें भी अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करूंगा। इस तरीके से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। फिर तुम्हारे गुरु का मैं गुरु, मतलब मैं महागुरु और सब कुछ मुझसे शुरू। और इसके बाद वो खुद के ऊपर प्राउड करते हुए अचानक ही हंसने लगते हैं और इस थॉट ने तो जेनी और जिंग
उन दोनों को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराया था, जो कि पूरी तरीके से पसीने से डूब गई थी। साथ ही जो यान को लेकर याओक्लेन के पेट्रियार्ड के प्यार ने जैनी को थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कराया था और राहत दी थी, क्योंकि याओक्लेन के साथ इतना क्लोज रिलेशन होना जो यान के लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था। और ये लड़की हर जगह प्रॉफिट ही देखती है, जिसके बाद वो जोयान के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। और ये देखकर कि याओक्लेन के पेट्रियार्ड ने अब तक नहीं बताया कि वो रीयूनिंग सोल पिल कब देंगे, अभी भी सभी लोग थोड़ा सा उदास होते और उम्मीद भरी नजरों के साथ पेट्रियार्ड की तरफ देख रहे होते हैं। तभी याओक्लेन के पेट्रियार्ड कहते हैं, अच्छा लड़के, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन में हो। मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करने के बाद भी तुम्हें टेंशन है कि मैं तुम्हें वो पिल नहीं दूंगा, लेकिन वास्तव में अपने ठरकी को तो दिखावा करना आता ही नहीं था। इसीलिए बेचारे के पास अपने लिए मांगने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, वो सिर्फ पेट्रियार्ड से एक ही चीज तो चाहता था, वो मेडिसिनल पिल। इसीलिए भला वो उसकी उम्मीद कैसे नहीं करता। जिसके बाद याओक्लेन तुरंत ही कहते हैं, याओक्लेन के पेट्रियार्ड तुरंत ही कहते हैं, चलो अब मुझे मास्टर का हो, कम से कम तुम्हें अपने मास्टर को जानना तो चाहिए और उनकी राय पूछनी चाहिए। साथ ही वो थोड़ी सी नाराजगी से जॉन की तरफ देख रहे होते हैं और इसके बाद कहते हैं, ओल्ड पर्सन याओ चेन के लिए तुम्हारे जैसे डिसाइबल को चूज करना रिस्पेक्ट की बात थी। इसके अलावा मैंने पहले ही ऑर्डर दिया है कि तुम्हारा मास्टर मेरा डिसाइबल होगा, तो वो भी इससे बच नहीं सकता क्योंकि मैं याओक्लेन का पेट्रियार्ड हूँ। जल्दी करो छोटे साथी, मुझे फिर तुम्हें काम पे भी लेके जाना है, ये पिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। हालांकि याओक्लेन के पेट्रियार्ड के जो वर्ड थे वो थोड़ा सा खतरनाक तो थे, लेकिन जो यान को एक्सेप्ट करना पड़ा था कि ये उचित थे। और दूसरी बात, अगर टीचर याओलाओ डाउडी कॉन्टिनेंट को ब्रेक थ्रू करके डाउडी कॉन्टिनेंट में आते हैं और याओक्लेन के पेट्रियार्ड के डिसाइबल बन सकते हैं, तो उनके फ्यूचर अचीवमेंट भी काफी बड़े होंगे, जिससे जॉन काफी खुश होता है। और जॉन तुरंत ही इसे एक्सेप्ट करते हुए उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, जियो यान, मास्टर को प्रणाम करता है, मेरी पिछली सारी गलतियों के लिए मुझे माफ करें। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं याओक्लेन का पेट्रियार्ड और मेरा नाम बो युनटियान है। साथ ही वो जॉन जैसे डिसाइबल को पाकर काफी ज्यादा खुश थे, जो पहले ही रैंक 6 में था और एम्प्रेटियर के पीक लेवल की स्पिरिचुअल पावर रखता था। जिसके बाद याओक्लेन के पेट्रियार्ड जो यान की तरफ देखते हैं और वो काफी खुश होते हैं और कहते हैं, बाहरी लोगों की नजर में हेवन को चैलेंज करने वाली रीयूनिंग सोल पिल डाउडी कॉन्टिनेंट में एक मैजिकल पिल है जो सुप्रीम पावरफुल है, लेकिन वास्तव में ये मामला नहीं है। इस पिल के अंदर रिवाइविंग की केवल एक लिमिटेड होप है, जो सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है, क्या? और जॉन को थोड़ा गुस्सा भी आता है। साथ ही जॉन के दिल में शिकायत है कि आखिरकार पेट्रियार्ड याओ ने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया। साथ ही जैनी को लगता है कि पेट्रियार्ड याओ जॉन के टैलेंट को देखकर और अपने प्यार के कारण इसे छिपा रहा था, लेकिन वास्तव में हेवन को चैलेंज करने वाली रीयूनिंग सोल पिल के लिए तैयार होना ये पेट्रियार्ड याओ की सबसे बड़ी ईमानदारी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ी सी घबराहट होती है। तभी याओक्लेन के जो पेट्रियार्ड होते वो हैरान होते हुए कहते, ये लड़की सच में काफी टैलेंटेड है, इसने मेरे थॉट को इतनी आसानी से भांप लिया। और दिल ही दिल में काफी जैनी की तारीफ करते हैं, जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैं तुम्हारे नाराज होने के बारे में चिंतित था, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चीज जो वास्तव में हेवन और लक को चैलेंज करती है और हेवन के अगेंस्ट काम करती है, क्या इसकी 100% पॉसिबिलिटी होना पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो क्या हर कोई गॉड नहीं हो जाता? ये सब भगवान की इच्छा पे डिपेंड करता है। तभी पेट्रियार्ड याओ की बातों ने तो जॉन को पूरी तरीके से हैरान कर दिया होता है और जॉन काफी शॉक होता है। साथ ही जॉन की मुट्ठी कसकर भींची हुई होती है और उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि पेट्रियार्ड याओ की जो भी बातें थी वो पूरी तरीके से सच थी। और उनकी बातों को सुनकर जोयान का गुस्सा पूरी तरीके से दूर हो जाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, इस सोल पिल की कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डाउडी कॉन्टिनेंट में पॉपुलर है तो पॉसिबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि इस पिल का नाम पहले ही हेवन के अगेंस्ट था, तो इसका इफेक्ट भी तो अनबीटेबल ही होना चाहिए था। तभी पेट्रियार्ड बताते हैं, एक डाउडी जो कि एक वर्ष के भीतर मर गया है उसकी सोल को रिवाइव करने के लिए संभावना 70% है, 10 साल वाले के लिए 50%। साथ ही ऐसा कहते हुए वो काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि एकमात्र यही एक पिल थी जो किसी को वापस से जिंदा करने की 50% संभावना देती थी। तभी जॉन कहता है, कई वर्षों के बारे में क्या? जॉन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। तभी पेट्रियार्ड अपने सिर को खुजलाते हुए कहते हैं, अभी तक इस पिल को टेस्ट नहीं किया गया, इतने लॉन्ग टाइम के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन शायद 20%। तभी जॉन और जॉनी जैसे ये दोनों सुनते हैं 20%, तो वो दोनों ही थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी ये प्रेडिक्शन काफी ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी ये एक होप थी। जिसके बाद जॉन कहता है, क्या 20% पॉसिबिलिटी को बढ़ाने का कोई और रास्ता नहीं है? तभी पेट्रियार्ड याओ कहते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केवल 20% है, आखिरकार ये सोल क्लस्टर जो हैवीली इंजर्ड हो चुका है। लेकिन वो तुरंत ही कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है, ये सब लक है, भले ही 1% पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, अगर ये सक्सेसफुल होना है तो हो सकता है, और अगर नहीं होना तो 90% पॉसिबिलिटी पे भी आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। तभी जैनी भी तुरंत ही कहती है, पेट्रियार्ड याओ ने जो कहा वो सच है, यंग मास्टर जो कि इतना उदास नहीं होना चाहिए, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आखिरकार एक ऐसे एंसेस्टर जो
खुद के पावर को, खुद की सोल को सैक्रिफाइस कर सकते हैं दूसरों के लिए, वो पहले ही हेवन की ब्लेसिंग को जरूर ही पाएंगे। और चाहे पॉसिबिलिटी कितनी ही कम क्यों ना हो, वो जरूर ही से रिवाइव हो जाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो जोयान को बेटर फील कराने की कोशिश करती है। तभी जोयान भी कहता है पेटियाटियाओ और जेनी ने जो कहा वो सही है, मैं जोयान एक जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। हालांकि जोयान ने तो हमेशा यही सोचा था कि एंसेस्टर एक ही दम से जिंदा हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार जोयान को भरोसा हो गया था कि ऐसी चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं है। लाइफ और डेथ सब लक पर डिपेंड करते हैं। साथ ही जोयान पहले तो काफी ज्यादा उदास था, लेकिन अगर अभी भी कोई भी होप थी तो ये जोयान के लिए पहले ही काफी थी। तभी याओ क्लेन के पेट्रियट जोयान की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम वास्तव में मेरे सबसे परफेक्ट डिसाइबल बनने के लायक हो। साथ ही इस पिल के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी जोयान काफी कंफ्यूज होता है कि क्या ये एक ही बार में सारी बातें एक साथ नहीं बता सकते। तभी पेट्रियट याओ कहते हैं हालांकि ये जो रियूनिक सोल पिल है ये काफी यूजफुल है, लेकिन इसका यूज केवल आर्टिस्ट 8 स्टार डाउडी के नीचे वाले बंदे ही कर सकते हैं। और अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो ये सोल क्रस्टर 8 स्टार डाउडी पर नहीं होना चाहिए। तभी सभी लोग बिल्कुल दाना चुग रही मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाते हैं। साथ ही उनकी बात को सुनकर सभी लोग थोड़ा सा उदास भी होते हैं। तभी पेट्रियट याओ कहते हैं वास्तव में जब ये पिल पेट्रियट बनने के बाद मुझे मिली थी तो मैंने भी यही सोचा था कि इनके अंदर ऐसी चीजें क्यों हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए 5 स्टार डाउडी पहला ब्रेक थ्रू पॉइंट है और 8 स्टार डाउडी सेकंड। और 8 स्टार डाउडी को पहले ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर पावरफुल पावर हाउस माना जा सकता है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह करने की पावर रखता है। और अगर उस तरीके के पावर हाउस को वापस से जिंदा किया गया और किया जाना पॉसिबल होता तो क्या ऐसे में यह डाउडी कॉन्टिनेंट कई बार डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता? फिर वास्तव में हेवन और उसकी रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी यूक्रेन के पेट्रियट बताते हैं इस पिल का मेन मोटिव पावरफुल क्लेंस के अनबीटेबल और टैलेंटेड पर्संस के लिए था, जो इस पिल के इफेक्ट के कारण अपने आप को बचा सकते थे। हालांकि तभी जोयान कहता है मास्टर आपने जो कहा मेरे एंसेस्टर उस पावर लेवल से काफी पीछे हैं। ये सिर्फ इतना है कि उनकी पावर 8 स्टार तो दूर की बात, वो अभी तक डाउडी पर भी नहीं पहुंच पाए, जो देखकर तो पेट्रियट याओ तुरंत ही कहते हैं क्या। और इस बार हैरान होने की बारी उनकी थी। और ये सब इसलिए था क्योंकि जोयान ने अपने मास्टर को पहले नहीं बताया था कि उसके एंसेस्टर किस लेवल पर है, इसीलिए उसके मास्टर को लग रहा था कि जोयान के एंसेस्टर डाउडी कॉन्टिनेंट में ही कोई होगा। तभी जोयान कहता है मैं जिस एंसेस्टर को रिवाइव करना चाहता हूँ वो मेनलैंड के एंसेस्टर है और वो एक सुप्रीम सेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर याओ क्लेन के पेट्रियट को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई बड़ा सीक्रेट सुन लिया हो और वो जोयान को जोर जोर से घूर रहे होते हैं। तभी जोयान उन्हें घूरता हुआ देखकर तुरंत ही काफी हैरान होते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है मास्टर कि ये पिल डाउडी लेवल के नीचे वाले वॉरियर्स के लिए काम की ना हो। और जोयान के माथे पर तो पसीना बह रहा होता है। तभी याओ क्लेन के पेट्रियट जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं जोयान ओह जोयान आप वास्तव में काफी ज्यादा लकी पर्सन है। क्या आप जानते हैं कि इस पिल का इफेक्ट डाउडी के लिए 70% पॉसिबल है, लेकिन डाउडी के नीचे के खिलाफ ये 100% कारगर है। और भले ही आपके एंसेस्टर की सोल हैवीली इंजर्ड हो रही है, सोल का केवल एक क्लस्टर हो जो हजारों सालों का हो, मैं अभी भी ये कहने की हिम्मत रखता हूँ कि कम से कम पॉसिबिलिटी 80% तो होनी ही चाहिए अगर वो डाउडी नहीं है तो। जो सुनकर तो जोयान कहता है क्या सच, जोयान इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी मास्टर याओ तुरंत कहते हैं बेशक इसके बारे में तो सोचने की बात ही नहीं, डाउसेंग और डाउडी के बीच में एनर्जी का काफी बड़ा डिफरेंस है, यहाँ तक कि 1 स्टार डाउडी उसे भी स्पिल से रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर तो डाउसेंग का पर्सन काफी छोटा पर्सन है। जो सुनकर सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि अरे रास्ते की इतनी मेहनत इतनी लड़ाइयां सब काम आ गई। जिसके बाद जोयान दिल से खुश होते हुए फुल काइंडनेस के साथ कहता है बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, आपकी काइंडनेस को मैं हमेशा याद रखूंगा। और जोयान तुरंत ही उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है। और इस टाइम पे आसमान, हवा, ग्रीनरी, ठंडी हवा सब जोयान को अच्छा लग रहा होता है, जिससे जोयान कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ। और जोयान तुरंत ही दौड़ते हुए नान एरविंग को कसकर गले लगा लेता है और सभी लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी जेनी भी अपने हाथों को गालों में रखते हुए तुरंत ही कहती है वास्तव में जोयान इतना भी एक्साइटेड हो सकता है। द्वितीय जींग चुपचाप जोयान के फेन को फील करती है और उसके एक्साइटमेंट के कारण उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तभी याओ क्लेन के पेट्रियट भी जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं बेचारा छोटा साथी, ऐसा लगता है कि ये बोझ उसके ऊपर काफी लंबा था। साथ ही वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं और हैरानगी से अपनी दाढ़ी सहला रहे होते हैं। साथ ही वो जोयान को इस सीन में परेशान नहीं करना चाहते थे। द्वितीय जोयान को भी खुद को कंट्रोल करने में काफी टाइम लग जाता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो अभी अभी सपने से जागा हो। जिसके बाद वो याओ क्लेन के पेट्रियट की तरफ देखते हुए जो उसका इंतजार कर रहे थे तुरंत उनसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करिएगा, मैं बस थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गया था। जिस पे पेट्रियट हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी भी एक और बात है।
ये फील्ड हाउस एंग के लिए तो बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे डर है कि क्या आपके एंसेस्टर इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ये सुनकर तो जॉन के चेहरे की स्माइल तुरंत ही फ्रीज हो जाती है और वो झिझकते हुए पूछता तो क्या कुछ हम कर सकते हैं। तभी जैनी कहती है क्योंकि पैट्रियाटिया ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ सोच रखा होगा, है ना। जेनी ने तो पैट्रियाट की हरकतों को तुरंत ही पकड़ लिया होता है। तभी पैट्रियाटिया कहते हैं, मिस जेनी आप सचमुच में काफी टैलेंटेड हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। इस पिल के इफेक्ट को टैकल करने यानी कि बेअसर करने के लिए अभी भी एक पिल की जरूरत है, और बेशक उस पिल का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वास्तव में ये पिल नहीं है ना ही इसके इंग्रेडिएंट। जो सुनकर तो जियान थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, मास्टर आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए किस तरीके के इंग्रेडिएंट की जरूरत है, मैं उसकी तलाश तुरंत शुरू कर सकता हूँ। तभी मास्टर कहते हैं, इसके लिए जरूरी इंग्रेडिएंट में एक है ड्रीम ग्रास, जिसके बाद थ्री फ्रूट जो एक साथ जुड़े हुए हो, सेवन लीव्स जो एक दूसरे के बगल में है, और जब तक आप इन्हें देखते हैं आप इन्हें एक नजर में पहचान सकते हैं। हालांकि इन चीजों को ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो एल्यूजनरी फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इन चीजों को ढूंढने की। साथ ही जब भी लोग वहां पे जाते हैं और वहां से आते हैं तो इन पिल्स के इंग्रेडिएंट को लेकर आते हैं, लेकिन बात केवल इतनी है कि एल्यूजन को ओपन करने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है, इसीलिए इंग्रेडिएंट की जो खपत है वो काफी स्पीड से होती है, इसीलिए इनकी जो कमी है वो बनी ही रहती है। हालांकि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर हो रहे बदलावों को देखकर मुझे लगता है कि एल्यूजन एक बार फिर से ओपन होने वाला हो, लेकिन ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर जा सकते हैं या नहीं, और इसे एक्सपीरियंस करने के बाद आप अंदर जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। हालांकि लापरवाही से कुछ भी ना करें, क्योंकि एल्यूजन काफी ज्यादा खतरा है। हालांकि मास्टर ने आपको ये इतनी आसानी से कहा है जैसे कि आप यहाँ पे घूमने आए हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे अलर्ट रहना होगा। जिस पे जॉन स्माइल करता है और फील करता है कि ऑकलैंड के जो पैट्रियट वो वास्तव में आधी अधूरी बातें ही बताते हैं। तो चलो गाइस, अब इसके साथ ये एपिसोड यही पेंट करते हैं और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एल्यूजन है क्या और ये चीजें क्या हैं, और जो जॉन वहां जाएगा नहीं जाएगा, क्या चीजें जॉन को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये नेक्स्ट एपिसोड का डिस्कशन है। तो बाय बाय थ्रियन फैमिली, लव यू।